हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यस, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा हूँ। एंड यस, मेरी ज़िंदगी आपको जैसे पता है बहुत ज़्यादा थकान से भरी होती है, तो रातों रातों को जगना इज़ क्वाइट नॉर्मल। एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर सपोर्ट। काफ़ी सारे लोग सुपर थैंक्स में गेटिंग इंटरेस्टेड और इट इज़ हेल्पिंग आउट अ लॉट। मतलब आई होप इट इज़ गोना। और जैसा कि मैंने बताया, आई जस्ट वोक अप और मेरे सामने ये चल रहा है अभी। है ना? तो बस यही लोग यही खेलते रहते हैं। यस, वेरी गुड। ये एक्चुअली मेरे कैमरा का कवर है जो कि ये मैडम उठा के घूमती रहती हैं। लुक एट हिम। अरे रे रे। जैसा कि आप इसको जानते होंगे, ये तो अलास्का है हमारी। इसको पहले एक्जिमा हो गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रेडनेस थी। ये क्या इंसानों की तरह लेटना सीख गए हो आप बेटा? काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को ना इसके एक्जिमा का ट्रीटमेंट बताया कि आप उसको ये दे सकते हो, आप उसको ऐसे ना ये दवाई दे दो या फिर ये एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। पर आई वुड लाइक यू गाइज टू नो दिस कि ज़रूरी नहीं है आप सबका ही ट्रीटमेंट सुनते रहो और सब कुछ ही कर लो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो उनके डॉग को कुछ हो जाता है बेचारे को, वो पांच लोगों से चीज़ें पूछ लेंगे और पांचों की पांचों चीज़ें कर देते हैं, तो ऐसे नहीं होता। इसको एक्जिमा हुआ था, स्किन पे रेडनेस थी काफ़ी ज़्यादा ही इसके, और रैश पड़ गए थे, वहाँ से बाल भी हट गए थे। तो स्किन पे जब भी कुछ होता है तो वो लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर होती है न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। तो न्यूट्रिशन अगर आप इंक्रीज करोगे उसका उसकी डाइट में, तो ऑब्वियसली उसका लिवर तो अच्छा ही हो जाएगा, उसकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और ये भाई साहब यहाँ पर दोबारा आ गए हैं। ओह यस, वेरी क्यूट। सो यस, जस्ट डोंट बिलीव ऑन एनीथिंग एल्स। इसके यहाँ पर पूरा रेड था, शायद आप पहले वाले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा। है ना? चलो अलास्का, चलो 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 चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और यहाँ पे हियर इज साया, माय बॉय। साया इज आल्सो स्लीपिंग एंड हियर इज स्नोई, हमारी सबसे बड़ी बच्ची। 12 साल की हो गई है स्नोई। नो स्नोई, एंड आई वांट यू गाइस टू मीट समबडी जो कि हमारे पास रेस्क्यू में आई थी। पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, एंड शी इज़ रिकवरिंग क्वाइट वेल। ये पहली फीमेल फ्रूट बैट है जो हमारे पास आई है। मैं सुबह उठकर सबसे पहले इसको ही देखता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका केज है यहाँ से, जो कि हाफ मैंने चादर लगाई हुई है। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने चादर क्यों लगाई है, ऊपर वो केज क्यों है, और ये केज यहाँ से हमेशा खुला क्यों रहता है ना? ओए लुक एट हर। नहीं, बस ठीक है। हाँ अभी खाना लाता हूँ। अच्छा लाता हूँ, छोड़ो तो सही। दे आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बींग्स, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। यू कैन सी इसके पंख पर एक घाव है जो कि मांझे से लगा है अगेन। तो अभी हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको बचा के रखने की, ये जल्दी से सही हो जाए। तो उसके बाद में वी गोना सी इसको, अभी जल्दी से मैं केला लेकर आता हूँ, फिर केला खिलाता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे हम। एंड यस, माई एक्वेरियम इज स्टिल एम्प्टी। प्लान ही नहीं बन पा रहा है मेरा कोई आज सच ना। और जब प्लान बनता है तो ऐसे मन सा हट जाता है, क्योंकि रेस्क्यूज में इतने ज़्यादा मेहनत लग जाती है ना, और एक्वेरियम में और ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जान ही नहीं बचती है। और जब से शेल्टर छोटा है छोड़ा है, तब से टीम भी थोड़ी छोटी हो गई है, तो रेस्क्यूज पे ज़्यादा भी ध्यान देना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे पहले वाले वीडियो में कि ओ वॉडका वॉडका वॉडका, तो हाँ वो ये वाला बॉटल था शायद। अगर आप रिस्पॉन्सिबली ये सब चीज़ें करते हो ना, अगर आप
एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से पीते हो, अच्छे लोगों के साथ बैठते हो, तो इट इज ऑलवेज गुड, ठीक है, कभी गलत नहीं होता, ऑलवेज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। मेरी पढ़ाई थी ये, मैं FNB का बहुत अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूँ, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, पर या स्टूडेंट तो रह चुका हूँ। दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पे पानी से ज़्यादा सस्ती ना बियर है, तो ऐसे देश असली में हैं, और वो कमाल की बात यह है, वो अभी भी देश आगे ही बढ़े जा रहे हैं। एंड मीट माई जैक। तो ये भाई साहब को खाना खाना है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय गुड बॉय। सो एवरीबॉडी, हियर इज जैक। इस बाय द वे इसका पेट भरा हुआ है अच्छे से। ये भाई साहब बस चिल्लाते ही रहते हैं ऐसे, क्योंकि इनकी आदत होती है। आज का वीडियो हमारे जैक के ही बारे में है, जो कि ये सुनने ही नहीं देगा। और ये भाई साहब चिल्लाते ही रहेंगे जब तक इनको मैं खाना नहीं दे देता, है ना। वैसे इसका पेट भरा हुआ है, यूजुअली इज नॉट दिस हंग्री ऑलवेज। यहां पे मैं इसको खाना खिला रहा हूं और वहां देखो क्या चल रहा है। ये बिल्ली कुत्ते सब मिलके मेरे रूम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। अलास्का क्या कर रहे हो आप? और यहाँ पे साया इज ऑल्सो हियर। इसको इसको भी बहुत पसंद है हमारा जैक, है ना। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, मेरे घर पे बहुत ज्यादा व्हाइट वॉश चल रहा था। सो हियर वी आर, व्हाइट वॉश हो चुका है और अभी भी थोड़ा बहुत सामान ना इधर उधर पड़ा हुआ है। ये है हमारे जैकी दादा। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा छोटा आया था। वन गाय रेस्क्यूड हिम, और ये काफ़ी छोटा था जब ये आया था। एंड यू कैन लुक एट हिम नाउ, ही इज डूइंग क्वाइट गुड। यस, है ना, है ना। ये भाई साहब अभी इतना खेले हैं कि ये खेल खेल कर थक गए हैं। हाँ, एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू कम। यस, तो तोतों को दो उंगलियों या तीन उंगलियों के ऊपर बिठाते हैं, क्योंकि ये कौवा है, इनके ना पंजे अलग होते हैं, तो यस, इनको हाथ से ऐसे उठाया जाता है। And yes, they do great, man. And he keeps talking. ऐसे ही पूरे दिन बातें करता रहता है ये। हाँ, सही कह रहा, सही कह रहा। तो कौवे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट जीव होते हैं, सबको पता है। जब ये आया था तो इसको हमने चिकन खिलाया था, इसको बहुत ज़्यादा चिकन पे रखते थे हम, क्योंकि थोड़ा सा मालन्यूट्रिशन था इसको। ये आया था 15 अगस्त के बाद ही, क्योंकि अच्छा, वेरी गुड। ये इसका फेवरेट स्पॉट है बाय द वे। ये आया 15 अगस्त के बाद ही था। एक घोंसला था जो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था मांझे में, और उसके साथ ऐसे ही दो कौए और थे इसी के साइज़ के ही, छोटे छोटे, पर वो मांझे में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे कि दे कुडंट सर्वाइव, और जब उनको रेस्क्यू करने के लिए गए तो वो मरे हुए मिले। पर ये होपफुली, मतलब फॉर्चुनेटली जिंदा था और ये बच गया, एंड वी वर एबल टू यू नो प्रोटेक्ट हिम। अच्छे से रेस्क्यू कर लिया हमने इसको, और मैंने काफ़ी सारे पक्षी पाले हैं ना बचपन से, तो आई हैव गुड एक्सपीरियंस इन दिस। अगर आपके पास कोई ऐसा चूज़ा आता है तो प्लीज़ डोंट ट्राई टू कीप इट एज अ पेट। मेरे अभी प्लान्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ मैं इसको लेके, क्योंकि आई डोंट नो, ये WPA 1972 में एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है कौवों को, और लोग ज़्यादा इज्जत भी नहीं करते हैं इनकी। तो मैं अगर किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर या फिर कहीं भी इसको भेजूंगा तो आई वोंट बी एबल टू ट्रस्ट देम, क्योंकि मैं ना रात दिन इसको खाना खिलाता हूँ। जब ये छोटा था तो हर 40 मिनट में, एक घंटे में इसको थोड़ा सा खाना खिलाना होता था। कभी भी हम, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कभी भी हमारे पास कोई चूज़ा आता है तो हम उनके पेट को पोटा बोलते हैं, तो उनके पोटे को ना कभी भी पूरा नहीं भरना होता एक साथ, आपको थोड़ा 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 खिलाना होता है, जैसे कि उनके माँ बाप खिलाते थे उनको।
और तो उस तरीके से आपका पक्षी ग्रो भी अच्छा करेगा और वो ऐसा इतना इंटेलिजेंट रहेगा कि वो यही सब हरकतें करता रहेगा, वो ना अपने आप को देखता रहता है, ऐसे चोच मारता रहेगा, फिर कहीं और चला जाएगा। बस इसका पूरे दिन यही चलता है। थोड़ा थोड़ा खाना देना होता है हर आधे घंटे एक घंटे में, तो मैं देता था, और ऑब्वियसली ही हैज बिकम लाइक माय सन। इसका नाम जैकी मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं बहुत बड़ा अंग्रेज हूँ, इसका नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी पर्सनालिटी जो है वो जैकी श्रॉफ से ना मैच करती है, और हमारे लाइफ में कभी ना कभी हर कोई जैकी श्रॉफ का फैन तो रहा ही होगा एक टाइम पे। तो या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है इनके बारे में, चला गया उड़ के। तो अकॉर्डिंग टू देम ये दे आर वर्मिंस, मतलब कि ये ना जगहों की बुरी हालत कर देते हैं, ये जगहों को नष्ट कर देते हैं, ये लोगों के खेतों को बर्बाद कर देते हैं, ये लोगों का उगाया हुआ खाना खा जाते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन फॉर देम टू डू दिस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बर्ड होता है। देखो आप इसको ना, ये अपने आप को शीशे के सामने ही बैठ के देखता रहता है, बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होते हैं ये, और अकॉर्डिंग टू WPA 1972 दे आर कंसिडर्ड एज वर्मिंस। तो इतनी ज़्यादा कोई लीगैलिटी के इश्यूज नहीं है, बट ये और देखो ये इतना इंटेलिजेंट है, ये भाई साहब अभी यहाँ पर इन्होंने अभी अपना खाना छुपा दिया है। हाँ, ये खाना काफी टाइम पहले इनको खिलाया था और अब ये कपड़ों में छुपा रहा है, सारा गंदा करेगा। देखो अभी मैंने उसको वहां से उड़ाया है, वो खाना छुपा रहा था वहां पर और अब यहां पर छुपा रहा है, ये हद हो गई, क्या कर रहा है क्या। तो जब ये छोटा सा आया था हमारे पास, हमने इसको चिकन खिलाया था, इसको चिकन पर काफ़ी ज़्यादा रखा हमने, प्योर चिकन, मतलब नॉट कुक्ड और नॉट एनीथिंग। कौओं की स्पेशलिटी ये होती है कि वो सब कुछ खाते हैं, वो चावल दाल चावल रोटी सब खा लेते हैं, वो आपने देखा होगा खाते हुए, क्योंकि दे आर ट्रू ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होता है जीव जो कि मांस भी खाता है और सब्जियाँ भी खाता है और उनको अच्छे से पचा भी सकता है। मैं आपको फिर से यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको कोई पक्षी या कोई जानवर का बच्चा मिलता है, उसको पेट एज अ पेट मत रखो, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और बहुत सारी लीगल इश्यूज भी होते हैं, आप अरेस्ट हो सकते हो, जेल वेल हो जाती है काफी बार, क्योंकि लोगों को ना काफी सुंदर सुंदर पक्षियों के बच्चे मिल जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि यार इनको ना रख ही लेते हैं क्योंकि बहुत सुंदर है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनकी ऐसी की तैसी कर देता है, तो प्लीज डोंट डू दैट। क्रोज वाइल्ड में हंट करते हैं, काफी अच्छा हंट करते हैं, ये ना काफी सारे कीड़े खाते हैं और इनको वॉर्म्स बहुत पसंद होते हैं, तो यस मैंने भी इसको काफी वॉर्म्स खिलाए हैं, सुपर वॉर्म्स और मील वॉर्म्स, मेरे पास काफी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है उन लोगों की। तो कोई भी रेस्क्यूड ऐसे पक्षी का बच्चा आता है तो उसको खिलाना जरूरी होता है ज्यादातर, क्योंकि अधिकतर पक्षी कीड़े खाते हैं। ये भाई साहब का ये फायदा है कि ये बड़ा होके ये बॉइल्ड चिकन भी खा सकता है, ये चावल भी खा सकता है, रोटी भी खा सकता है, एंड आई एम श्योर काफी सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि व्हाट एम आई गोना डू विद हिम, मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। तो मेरा अभी प्लान पूरा अभी पूरा बना नहीं है इसको लेकर, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्थ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, तो अभी उसको मैंने पाल पोस के बड़ा तो कर दिया है, सिर्फ मैंने नहीं पाला, पूरी टीम की मेहनत लगती है हर जानवर को पालने में, दे ऑल्सो फीड देम। तो अभी ये बड़ा हो गया है तो अभी हमें सोचना है कि क्या इसको वापस रिलीज करना है या फिर ये हमारे घर में ऐसे रह सकता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट एनी ऑफ सच थिंग्स क्योंकि मैंने कभी पहले कौआ रिहैबिलिटेट तो नहीं किया, पर यस लेट्स सी क्या होता है, इसकी खुशी ज़्यादा जहाँ पर होगी हम वही चूज करेंगे, डोंट वरी, और हाँ विदाउट हैविंग एनी लीगल मैटर। हाँ, साया का भी बेस्ट फ्रेंड है ये, क्योंकि ये साया को टेबल पे से गिरा गिरा के चीजें खिलाता रहता है। हाँ, वो अलास्का के पास जा रहा है। ये ऐसे ही चलता रहता है मेरे घर में, है ना, इन सब के अलग अलग टॉयज हैं और ये एक ही टॉय के पीछे पागल हुए हैं तब से, और ये भाई साहब हमारे पता नहीं कहाँ से एक मोजा लेकर आ गए हैं और वो उसको ले लेके घूमे जा रहे हैं, यही चलता रहता है बस पूरे दिन। हाँ जी, ये मेरे घर पर ऐसे ही खुला रहता है, ऐसे ही उड़ता रहता है इधर से उधर,
क्योंकि कभी भी कोई पक्षी अगर रिहैबिलिटेट करना है आपको, तो वो आप कभी भी पिंजरे में रख के नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट गुड. यस, पिंजरे में कभी अगर आप पक्षी पालोगे तो वो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए उसको सब कुछ सिखाना, ताकि वो वापस लौट पाए. और ये जैक इज़ वेरी कूल विद माई एनिमल्स ऑल्सो. मैंने अपने जानवरों को इस तरीके से थोड़ा सा यू नो सिखाया है कि वो किसी जानवर को, किसी और जीव को फालतू की नुकसान ना पहुंचाए. वो थोड़े प्रोटेक्टिव हैं, पर दे डोंट अटैक ऐसे ही. सो सॉरी फॉर द वियर्ड कट गाइस, मेरा लैंडलॉर्ड आया था और सो या एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारा जैक ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो आप मुझे सुपर थैंक्स ड्रॉप कर सकते हैं, और वो ऐसे लाइक बटन और उन सब बटन्स के आगे ही है. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग. अगर आपको ज़्यादा पसंद आ गया है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे ना जानवर रेज करने में और फिर वीडियोज़ बनाने में, उनका ध्यान भी रखना होता है. और तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर फैमिली, अपने घर के आसपास के जानवरों का भी थोड़ा सा ध्यान रखो. और कौवे इतने बुरे नहीं होते, हाँ वो थोड़ा सा अटैक कर देते हैं कभी कभार लोगों पे, पर अटैक तो इंसान भी करते हैं. सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड. किसको नहीं तोड़ना है बेटा? हाँ ये कैमरे का है. हाँ बहुत महंगा है ये. हाँ हाँ.